स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट टू अनलीश जंतर मंतर। जंतर मंतर बनाया गया था महाराजा सवाय सिंह जी टू द्वारा 18 सेंचुरी में। एक बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे और वो एक ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहते थे जहां से वह पूरे स्टार और प्लेनेट को स्टडी कर सकते। जंतर मंतर बना हुआ है 14 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जिनके डिजाइन में मेजर डिफरेंट और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन के अकॉर्डिंग है। जंतर मंतर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फैसिनेटिंग प्लेस है विजिट करने के लिए। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम बनाया गया था 1876 में। इसे सितारा चंद मेहता जी ने डिजाइन किया था और इसे बनवाया था महाराजा सवाई राम सिंह टू ने। ये पूरी स्टेट का सबसे पुराना म्यूजियम है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के कलेक्शन है जैसे कि पेंटिंग, ज्वेलरी, कारपेट्स, आइवरी स्टोन, मेटल स्कल्पचर्स और वर्क्स इन क्रिस्टल्स का। म्यूजियम डिवाइडेड है 16 गैलरी जिसमें एक डिफरेंट कलेक्शन रखते हैं। यहाँ की जो सबसे पॉपुलर गैलरीज हैं उनमें से एक का नाम है राजपूत गैलरी, मुगल गैलरी, जैन गैलरी और नेचुरल हिस्ट्री गैलरी। इस म्यूजियम में एक लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी है। एल्बर्ट म्यूजियम एक बहुत ही बढ़िया जगह है उन लोगों के लिए जिन्हें इंडियन आर्ट और हिस्ट्री पसंद है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और वेल मेंटेन म्यूजियम है, तो अगर आप जयपुर जाओ तो यहाँ जरूर विजिट करना। जल महल। जल महल बनाया गया था 17 सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह टू द्वारा। ये एक 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है जो की बना हुआ है रेड स्टोन से। जल महल का मतलब है पैलेस ऑफ वॉटर। जल महल बनाया गया था रॉयल फैमिली के प्लेजर के लिए। ये पैलेस पिचोला लेक के बीच में है और इस पैलेस तक सिर्फ बोट से ही पहुंचा जा सकता है। इसका डिजाइन बेस है हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्ट पर। जल महल सबके लिए ओपन है और इसकी एंट्री फी एकदम फ्री है। अगर आपको जल महल जाना है तो आपको एक बोट लेनी पड़ेगी रामगढ़ घाट से, जो कि 15 मिनट की बोट राइड है जल महल तक की। ये बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए। अगर जयपुर जाओ तो इसे अपनी टॉप लिस्ट में डालना मत भूलना। ये बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और घंटी दबाना ना भूलिएगा।